नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 27 अप्रैल 2019, दिन है शनिवार, और यहां पर मैं दो चार स्टॉक्स को लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें आप लोगों ने अच्छा खासा पोजीशन बना के रखा होगा पहले से, और काफ़ी क्वेरी आती रहती है कंटिन्यू उन स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए, जिसमें कि हमारा यस बैंक भी है, जैसा कि आप सामने चार्ट लगा हुआ देख पा रहे हैं, यस बैंक का चार्ट है। इसके अलावा भी दो चार स्टॉक्स आ रहे हैं और हैं, जो काफ़ी बड़ी गिरावट झेल चुके हैं। अब लोगों के बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए उन स्टॉक्स में, तो उन्हीं सवालों का जवाब मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि जो बड़ी गिरावट झेल चुके हैं स्टॉक्स, जो न्यूज बेस्ड स्टॉक हैं जिनका रिजल्ट खराब आया हुआ है, तो वैसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी आपका स्वागत है। तो चलिए, ये सबसे पहला यस बैंक को ही ले लेते हैं। यस बैंक के बारे में न्यूज़ भी है, हैवी न्यूज़ क्या है, इसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया है, जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ यस बैंक का रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया है। तो हम लोग इसको देखना पसंद करेंगे कि यस बैंक को अगर हमें मंडे को दिन ट्रेड करना हो या आगे इसको होल्ड करके लेके जाना हो तो क्या पोजिशन हमें बनानी चाहिए, किन्हीं के पास पोजिशन है तो उसको क्या करना चाहिए। सॉरी, तो देखिए दोस्तों, यस बैंक, ये जो ब्लू लाइन मैंने प्लॉट किया ना, ये ब्लू लाइन 200 डीएमए है, यानी 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको बोलते हैं। ये पहली बात तो देखिए, यस बैंक यहाँ इस कैंडल पर नजर रखिए, ये 21 सितंबर 2018, यानी 21 सितंबर 2018 को जो बड़ी गिरावट आई थी यस बैंक में, जो गैप डाउन ओपन हुआ था, उस गैप डाउन से तो आज तक ये उबर नहीं पाया है, अभी तक उसके नीचे ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है कंटिन्यू। एक बार टेस्ट किया है उस, हालांकि उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि जब तक इस बड़ी गिरावट की कैंडल को वो फिल नहीं करता, मेरे लिए उसमें कोई भी पॉजिटिव व्यू बनाना बहुत ही मुश्किल है। चाहे वो कितना ही अच्छा बाउंस बैक दिखाता रहे नीचे से ऊपर, मैं उसमें कभी भी हाथ नहीं लगाता। जब तक कोई स्टॉक्स अपने गैप को फिल ना कर दे, तब तक मैं उस स्टॉक्स में हाथ डालने की कोशिश नहीं करता, और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस तरह के न्यूज़ वाले स्टॉक्स में ट्रेड करने की, खासकर इंट्राडे ट्रेड करना बहुत टिपिकल है, पोजिशनल भी लेके जाना इसी स्थिति में बहुत दिक्कत हो जाती है, कब कौन सी न्यूज़ एक मिनट में आ जाए कहा नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास पोजिशन है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि पोजिशन है तो कल मंडे है, परसों मंडे है, तो जब मंडे है ये ओपन होगा तो मार्केट रिएक्ट भी करेगा, न्यूज़ भी ख़राब आई हुई है। अब यहाँ पे कैंडल बना दिया है इसने, हैमर टाइप का कैंडल, लेकिन हैमर जो बनाया ना जगह पे नहीं बनाया, इसका जगह दूसरा होता है, ये गलत जगह पे हैमर बन चुका है। तो एक पॉसिबिलिटी हम लोग ले सकते हैं कि अगर जिनके पास पोजीशन बनाया हुआ है, जिन्होंने फ्राइडे को ये सोच के कि रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा, उस वजह से उसने पोजीशन बनाया, तो अगर ये आपको 240 के ऊपर मिलता है एक बार, तो आप एकदम अपना जो भी प्रॉफिट में होंगे 240 के ऊपर, तो आप लोग बिल्कुल एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि इस स्टॉक में कोई पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल तो नहीं लग रही कि ये 240 को ऊपर ब्रेक करने वाला है। और इस बात को भी ध्यान रखना है दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है जैसा कि नीचे आपको चलता हुआ दिख रहा होगा, कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, सिर्फ अपना व्यू बताता हूँ, ठीक है, सिर्फ अपना व्यू बताता हूँ अपने स्टॉक्स में, आपको कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब तक ये स्टॉक्स इस 200 डीएमए को पहले तो ब्रेक करके क्लोज करे, कंटिन्यू ये डाउनफॉल में ही है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही, साथ ही जो है मुझे इसका जो टारगेट दिख रहा है, अगर ये शॉर्ट के, अब यह है कि 240 के ऊपर अगर ये चलता है, तो मेरे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया कर आप वहाँ से जल्दी से एग्जिट कर जाए। ऊपर जाने के लिए इसको बहुत बड़ा 248 को ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, साथ ही दो तीन दिन इसको ट्रेड करना पड़ेगा उसके ऊपर, तो ही आपको ये 270 के टारगेट दिखाएगा। और लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी कल की डाउन साइड की लग रही है, तो एक शॉर्ट पोजीशन आप लोग चाहें तो ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन कब शॉर्ट पोजीशन कब बनेगा, जब ये 230 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, 230 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर, हो सकता है ये आपको मौका भी ना दे, इस बात को भी ध्यान रखिए, हो सकता है ये आपको मौका भी ना दे 230 के नीचे
ट्रेड कंफ्यूम गैप डाउन ही ओपन हो जाएगा 230 पर, ठीक है। अगर ये 200 सॉरी 220 पर ये नीचे गैप डाउन ही, अगर ये नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर आप इग्नोर कर दीजिएगा, हाँ। लेकिन अगर ये ओपन होता है 235 240 के आसपास और धीरे 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 नीचे करके आता है, तो जैसे ही 230 को ब्रेक करे और ब्रेक करके 5 मिनट 10 मिनट उसके नीचे सस्टेन कर जाए, तो आप शॉर्ट साइड में पोजिशन बना सकते हैं और टारगेट उस कंडीशन में 220 रुपये का रहेगा यस बैंक में। और जिनके पास पोजीशन है कृपया कर अभी तो बिल्कुल इससे निकल जाए। हाँ, जिनको लंबे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, होल्डिंग में रखना है, तो हर गिरावट पे जैसे गिरावट आती है, बड़ी कोई गिरावट आती है, करेक्शन आती है, तो आप लोग वहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन फ्रेश बाइंग मेरे लिए तब बनती है इस स्टॉक्स में जब ये इस गैप को फिल कर देगा, यानी कि क्लियर कट 290 के ऊपर, 290 के ऊपर ये क्लोज करेगा तब हमारे लिए फ्रेश बाइंग बनेगा जो कि एक्चुअल बाइंग होगी मेरी नज़र में। यह है येस बैंक पे मेरा व्यू। दूसरा इसी कंडीशन पे आता है DHFL का, ठीक है। DHFL पे भी काफ़ी लोगों ने ये जो इस कैंडल को, तो खैर मैं भूल ही नहीं सकता क्योंकि जिस तरह से मैं एक बार मन्नापुरम फाइनेंस को, आप लोगों ने देखा होगा मेरा वीडियो, कंटिन्यू मैं 5 से 6 दिन मन्नापुरम फाइनेंस को ट्रेड कर रहा था, उसी तरह DHFL को मैंने भी 5 से 6 दिन इसी सब कैंडल की वजह से ट्रेड किया हुआ था। आप यहाँ पे इस कैंडल को देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे मार्क करना चाहूँगा इस कैंडल की वजह से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई कैंडल ही ये नहीं बना रहा था कंटिन्यू 5 से 6 दिन, मैं कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था और सडनली इसने मुझे बहुत बड़ा फॉल दे दिया था सेल साइड में, और मैं सेल ही कर रहा था। जैसे मन्नापुरा फाइनेंस में आप लोगों ने देखा होगा मुझे सेल करते हुए कंटिन्यू 5 से 6 दिन, एक दिन भी मैंने उसमें बाय नहीं किया था। तो यही सारी वजह होती है। इसने देखिए जब, तो मेरे 5 दिनों का फल का मेहनत को इसने एक ही दिन में 300 पॉइंट मुझे मूवमेंट दे दिया, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में मैं आ चुका था उस दिन DHFL में। तो इस वजह से मन्नापुरम मैंने कहता हूँ मुथूट फाइनेंस, सॉरी मुथूट फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, कि मुथूट फाइनेंस को आप लोगों ने देखा होगा 5 से 6 दिनों तक कंटिन्यू मैंने डाउन साइड में ही ट्रेड किया हुआ था इसी वजह से, क्योंकि मुथूट फाइनेंस भी इसी ढंग की कुछ कैंडल को वहाँ पर डेवलप कर रहा था कंटिन्यू 4 से 5 दिन, तो इस वजह से मेरी नज़र पर था। तो DHFL ने ये जो गिरावट है इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट मुझे दिया था। अब आते हैं अभी फिलहाल इसमें क्या बनता है हमारे लिए पोजिशन। तो चलिए वापस से हम लोग DHFL के करेंट चार्ट पे आ जाते हैं। अब ये भी DHFL भी एक चूंकि फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, तो देखिए DHFL का एक रेंज बना हुआ है, एक प्राइस चैनल में ये फंसा हुआ है ये स्टॉक। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ सारी चीज, ये ड्रॉ कर दिया मैंने सारी चीजों को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब ये प्राइस चैनल को ब्रेकडाउन दिया किस दिन दिया है, 22 तारीख को दिया है। 22 तारीख को देने के बाद उसी कैंडल के आसपास एक लो क्रिएट करके कंटिन्यू वहीं पे सस्टेन भी कर रहा है, यानी कि अभी भी ये ऊपर जाने के मूड में नहीं है, ज़्यादातर मुझे नीचे आने के मूड में ले रहा है। टारगेट 124 के टारगेट के लिए ये मुझे 124 और 122 ज़्यादातर लग रहा है, 122 के टारगेट के लिए अभी भी मुझे ये डाउनफॉल का ही सिग्नल दे रहा है। लेकिन कब आएगा, जब वो 135 यानी 135 के नीचे ट्रेड करने लगेगा DHFL, तब। अगर 135 के नीचे ये ट्रेड करता है मंडे के दिन, तो बिल्कुल 122 के टारगेट के लिए ये शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर किया जा सकता है यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखिए बार बार डिस्क्लेमर कि ये मेरी कोई भी बाइंग और सेलिंग की सलाह आप लोगों को नहीं है, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर ले। अब ये देखिए ये लंबा जो बनाया हुआ ये एक प्राइस चैनल, इस प्राइस चैनल के अंदर वापस क्लोज करें, क्लोज करने के बाद कंटिन्यू ट्रेड करके इस प्राइस चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेक करें। इसका 200 DMA को हम लोग जरा प्लॉट कर ले, तो शायद 200 DMA तो बहुत बड़ा होगा, इसका आ रहा है 272 रुपये के आसपास में, है ना, 273 के पास यहाँ पर आ रहा है, तो 273 के पास आ रहा है जो कि काफ़ी अभी दूर है। 273 के ऊपर जाने के चांसेस तभी बन सकते हैं जब ये क्लोज करेगा 200 के ऊपर, और जब से इसने डाउनफॉल दिखाया 200 के ऊपर कभी इसने क्लोज ही नहीं किया। फाइनली अगर ये 200 के ऊपर अगर एक बार ये क्लोज कर दे तो फिर ये आपको ऊपर के लेवल 272 भी दिखाएगा, लेकिन तब जब ये 200 के ऊपर क्लोज करेगा उसके बाद ज़्यादातर चांसेस नीचे के हैं। अगर 135 को ब्रेक करता है तो 122 के टारगेट मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ही आपको DHFL भी दिखा सकता है। इसी तर्ज पर जो हमारा तीसरा स्टॉक्स है दोस्तों, वो है हमारा PC ज्वेलर का। इधर काफ़ी दिनों से PC ज्वेलर में बाइंग आई थी, तो लोग काफ़ी उत्साहित थे PC ज्वेलर को कि बाइंग आ गई, लोग अच्छे खासे पोजीशन भी बना रहे थे। मैं कह रहा था इसमें से ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक होते हैं आज में काफ़ी शॉर्ट बना होता है ना, वो ऊपर जाने के बाद फिर से उसमें शॉर्ट कवरिंग होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, जिसके वजह से स्टॉक्स पहले तो नीचे शॉर्ट बनता है, उसमें
शॉर्ट को कवर किया जाता है तो वो बाइंग आती है। बाइंग आने के बाद ऊपर से जितने लोग शॉर्ट किए हुए रहते हैं फिर से वो अपना पोजिशन को कट करते हैं, तो फिर स्टॉक नीचे आ जाता है। तो ये स्टॉक में अभी भी हमारे लिए कोई भी पोजिशन नहीं बनेगा, मेरे ख्याल से अभी भी ये स्टॉक पोजिशन नहीं। हाँ, जिन लोगों ने बनाया हुआ है पहले से पोजिशन नीचे नीचे लेवल पे बनाया हुआ है, तो मेरी सलाह यही है कि बिल्कुल सही जगह पे अभी भी ये स्टॉक खड़ा है, आप निकल सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। वरना अगर ये 107 के नीचे एक बार अगर ये निकल गया तो फिर आपको निकलने का मौका भी जल्दी नहीं देगा। अभी 123 के आसपास है, अगर 107 के नीचे ये स्टॉक निकल गया तो याद रखिए ये निकलने का मौका नहीं देगा, वापस ये फिर आपको 80 के टारगेट दिखा देगा बहुत जल्द पीसी ज्वेलर। लेकिन अगर ये 107 के नीचे ट्रेड करता है तो ऊपर जाने के लिए अब इसको फिर से वही मेहनत करना पड़ेगा। ये जो गैप फिल किया है, इसने गैप फिल करके एक अच्छा काम किया, ठीक है। पहले तो ये जो गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, इस गैप डाउन को इसने फिल कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट दिया है, अब उसको ऊपर जाने के लिए कम से कम 180 रुपये, ठीक है। सबसे पहले तो 160-65 के ऊपर, 160-65 के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है वो क्लियर कर 160 रुपये के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं मार्क करता जा रहा हूँ धीरे से, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, और इसी को जरा से और मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो जस्ट वही रेजिस्टेंस यानी 160 के ऊपर, अगर 160 के ऊपर ये क्लोज करेगा ना तो फिर ये आपको टारगेट 200 के भी दिखा सकता है पीसी ज्वेलर, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि 160 के ऊपर इसको क्लोज होना होगा, 2 से 3 दिन ट्रेड भी करना पड़ेगा। अगर वो ट्रेड नहीं कर रहा है और अगर वो 107 के नीचे निकल जाता है, सॉरी मैं बता दूं, 107 मैंने कहा ना, अभी मैं बता देता हूँ इसका प्राइस है 124, हाँ 118, 118 के नीचे अगर ये स्टॉक निकल जाता है, अगर 118 के नीचे निकल जाता है, मैं रिवाइज कर दूं जरा, अगर 118 के नीचे निकल जाता है तो ये आपको निकलने का मौका नहीं देगा, फिर ये 100 के लेवल दिखा सकता है 100 रुपीज़ के। तो जो मैंने अभी 107 बोला था इसको कृपया रिवाइज कर लीजिए, वो 118 होगा। 118 के नीचे अगर ये स्टॉक निकलता है तो फिर आपको ये 100 के लेवल दिखाएगा पीसी ज्वेलर। तो जिन लोगों ने पोजिशन बनाया है कृपया कर उसको जरूर से जरूर अपना पोजिशन को कट कर लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। तो ये तीन स्टॉक्स DHFL, पीसी ज्वेलर और यस बैंक मैंने बताए। इसी तर्ज पे आता है जेट एयरवेज, काफी न्यूज में है कि जेट एयरवेज में क्या करना चाहिए, तो चलिए जेट एयरवेज को भी हम लोग देख लेते हैं। जेट एयरवेज में सबसे पहले तो नो ट्रेडिंग जोन में, मैं पहले ही डिस्क्लेमर में बोलता हूँ कि नो ट्रेडिंग जोन में ऐसे स्टॉक जो एक एक दिन में कुछ भी मूवमेंट दिखा दे, हर मिनट एक नई न्यूज आती है, कभी कहते हैं वो खरीदेगा, कभी कहता है वो खरीदेगा, कभी कहता है बीट खुलने वाला है, कभी कहता है विदेशी कंपनी कर देगा, कभी कहता है मुकेश अंबानी कर देगा, कुछ से कुछ इसमें न्यूज आती है। तो वैसे स्टॉक से पहले तो दूर रहिए। अब कैंडल भी इसकी देख लीजिए, अनडिसीजन वाली कैंडल है, यानी जो बड़े लोग हैं वो भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इसमें करना क्या है। करना वो लोग तभी शुरू करेंगे जब ये क्लोज करेगा 280 के ऊपर, अगर ये 280 के ऊपर क्लोज करेगा तभी वो लोग भी कुछ कर सकते हैं, उसके पहले कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी ने पोजिशन बनाना है इंट्राडे के लिए फास्ट मूविंग को कैच करना है, 180 के ऊपर अगर एक बार निकलता है तो 190 के टारगेट के लिए आप लोग उसमें पोजीशन बनाइए। लेकिन मेरी सलाह होगी इस स्टॉक से दूर रहने के लिए। अगर ये स्टॉक 160 के नीचे निकल जाता है, अगर ये 160 के नीचे निकल जाता है तो फिर 125 के लेवल के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। ये 125 क्योंकि स्टॉक यहीं से रिटर्न करके ऊपर गया है, तो स्टॉक 125 का भी लेवल आपको दिखा देगा। तो मेरी सलाह कि इस तरह से न्यूज बेस्ड स्टॉक से ना आप लोगों को बिल्कुल, खासकर नए लोगों को तो बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। तो ट्रेड ले अगर आप लोग लेते हैं तो जरूर अपने फैंसी एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें। तो ये था दोस्तों मेरे ये चार स्टॉक जिसपे बहुत ज़्यादा गिरावट आई हुई, जिसपे बहुत सारे लोग मेरा व्यू पूछ रहे थे, तो मैंने छोटा सा वीडियो बना दिया है, 15 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो है, तो आप लोग देखें। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।